जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं विराट चौधरी। दोस्तों आज का ये वीडियो आपको आरपीएफ कांस्टेबल की जो वैकेंसी आ रही है 9500 पदों की, उसके लिए दोस्तों कि इसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी है, क्या क्या इसकी एज ग्रुप होने वाला है, क्या क्या इसका सिलेबस होने वाला है और क्या क्या इसका फिजिकल टेस्ट में आपको कितनी हाइट, कितना वेट और कितना आपकी रनिंग होनी चाहिए, इसके बारे में टोटल जानकारी है दोस्तों। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए और इसकी तैयारी आप आज ही से शुरू कर दीजिए। दोस्तों सबसे पहले आरपीएफ की जो पोस्ट है वो 9500 पोस्ट की रेलवे ने घोषणा कर रखी है, जिसकी वैकेंसी आ गई है और आपको इसी साल में ये वैकेंसी है, मतलब बताया जा रहा है कि जनवरी महीने में इसके फॉर्म भरे जाएंगे। इसके लिए जो आपकी योग्यता है दोस्तों वो 10th क्लास पास होनी चाहिए, आपकी एज 18 से 25 ईयर होनी चाहिए अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हो तो। ओबीसी वालों को इसमें 3 ईयर का छूट मिल जाती है और एससी एसटी वालों के लिए 5 ईयर की अलग से छूट मिल जाती है। ये जो काउंट होगी एज वो होगी 1 जनवरी 2021 से, मतलब 1 जनवरी 2021 से ये एज आपकी काउंट होगी दोस्तों। तो अगर आप इस कैटेगरी में आते हो तो ज़रूर तैयारी शुरू कर दीजिए। ये ऑल इंडिया की वैकेंसी है और इसके लिए जो आपकी एक योग्यता ये भी है कि आप इंडिया के सिटीज़न होने चाहिए, तो यानी भारतीय नागरिक होनी चाहिए। इसका जो पे स्केल है वो 21,700 से 69,100, जो SSC GD का सेम ही रहता है, SSC GD में भी यही रहता है, आपको पता होगा SSC GD में भी यही सेम ही पे स्केल है और इसका भी पे स्केल सेम ही है। इसके अलावा जो इसकी फॉर्म की फ़ीस है, जो फॉर्म भरे जाएंगे उसकी फ़ीस है OBC और जनरल के लिए 500 रुपये और SC ST के लिए 250 रुपये फॉर्म की फ़ीस है। अब बात करते हैं इसके फिजिकल, जो इसकी फ़िजिकल है कि फ़िजिकल में क्या क्या इसके लिए आपके अनिवार्य जो चीज़ें हैं वो क्या क्या है दोस्तों। तो फिजिकल में आपकी जो मेन जो चीज़ है दोस्तों इसमें वो है हाइट। तो जनरल OBC इनके लिए जो हाइट है मेल की वो 165 सेमी और फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर, मतलब 157 सेमी फीमेल के लिए। और चेस्ट जनरल OBC में अगर आप हो तो मेल के लिए चेस्ट है, फीमेल का चेस्ट नहीं होता है, चेक ओनली मेल के लिए 80 to 85, मतलब फुलाने के बाद में 5 सेमी आपको फुलाना है जितना आर्मी में होता है वही सेम। SC ST वालों के लिए जो हाइट है वो है 160 सेमी, मतलब 160, और फीमेल के लिए 152 सेमी। और जो चेस्ट है इनका मेल के लिए 77 से 82, यानी इसमें 3 सेमी की छूट दी गई है दोस्तों। तो अगर आप इस कैटेगरी में आते हो, फुलीफाई फिल करते हो इन सभी चीज़ों को, तो आप इसकी तैयारी ज़रूर करना। इसके बाद में आते हैं इसकी रनिंग। मेल के लिए जो इसकी रनिंग होती है वो होती है 1600 मीटर रनिंग 5:45 सेकेंड, मतलब 5:45 सेकेंड में आपको 1600 मीटर रनिंग करनी होती है। हाई जो जंप होता है 4 फीट का और लॉन्ग जंप होता है 14 फीट, ये मेल के लिए। मेल के लिए हाई जंप 4 फीट और लॉन्ग जंप 14 फीट। फीमेल के लिए अब हम देखते हैं फीमेल के लिए, जो फीमेल है उनकी रनिंग 800 मीटर रनिंग 3:40 सेकेंड का टाइम मिलता है उनको, 800 मीटर रनिंग 3:40 सेकेंड में, हाई जंप 3 फीट और लॉन्ग जंप 9 फीट, ये होता है फीमेल के लिए। एग्ज़ाम ये कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा, उसके बाद में फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, उसके बाद में फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा और उसके बाद में जो आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होते हैं वो होते हैं। इसके बाद में इसका जो सिलेबस है वो क्या क्या होता है वो देख लीजिए आप। 50 क्वेश्चन ये जनरल यानी GK और जनरल अवेयरनेस उसके बारे में होंगे, उसके अलावा 35 क्वेश्चन मैथ के और 35 रीजनिंग के। मैथ तो रीजनिंग की आप तैयारी, मेरा जो दूसरा यूट्यूब चैनल है फौजी मैथ अकेडमी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर है, उस पर क्लिक करके आप जा सकते हो और मेरे साथ मैथ और रीजनिंग की आप तैयारी कर सकते हो दोस्तों। साथ में कि ये आप अगर इन सभी को फुलीफाई करते हो तो आप आज ही से रेलवे की तैयारी शुरू कर दीजिए और साथ में आपकी SSC GD 2021 की जो वैकेंसी है उसकी भी आपको पता है 25 मार्च से फॉर्म भरे जाएंगे, तो उसकी तैयारी भी आप साथ में कर सकते हो। इन दोनों की तैयारी आप साथ में कर सकते हो, ये 1+2 काज हो जाएंगे, तो आप तैयारी ज़रूर करिए दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।